मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम FMO मेथड क्या है। FMO हमो लिमो हमने पढ़ लिया है पहले ही, अब देखेंगे FMO मेथड, FMO मेथड किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो FMO मेथड हम देखते हैं सिर्फ एक टेबल है, देखेंगे बस शॉर्ट में। हमने वे फंक्शन हमारा क्या होता था, शाई ऑड या फिर शाई इवन। ऑड में 135 जैसा, इवन में 246 जैसा एग्जाम्पल के तौर पर। और सिमेट्री अगर शाही ऑड होता था उसमें हमारी हो जाती थी मिरर प्लेन सिमेट्री, सिमेट्री इन होमो की, ठीक है। अब हमारे पास अगर शाही इवेन होगा तो उसमें हमारी होगी C2 सिमेट्री। तो इसमें हम देखेंगे सिमेट्री इन होमो, अगर हमारे पास मिरर प्लेन सिमेट्री होगी होमो की, या फिर अगर हमारे पास सिमेट्री होगी मिरर प्लेन सिमेट्री और होमो की, तो उसमें रोटेशन हो जाएगा डिस रोटेटरी। पहले इस टेबल के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है वेव फंक्शन, यहाँ लिखा है सिमेट्री इन होमो, यहाँ लिखा है मोड ऑफ रोटेशन। तो ठीक है, शाही ऑड होगा हमारे पास उसमें होगी मिरर प्लेन सिमेट्री, मिरर प्लेन सिमेट्री होगी होमो की तो उसमें होगा डिस रोटेटरी, और अगर हमारे पास शाही इवेन होगा तो हमारे पास होती है C2 सिमेट्री। ये तो यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया। जब हमारे पास होमो की C2 सिमेट्री होगी तो उसमें हम जब रोटेशन कराएंगे वो होगा कौन रोटेटरी। अब डिस रोटेटरी कौन रोटेटरी क्या है इसको हम आगे समझेंगे। पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की डिफिनीशन यहाँ पे लिखी है, इसको देखते हैं। पहले एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज द कंसर्टेड इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीन एंड साइक्लोल्किन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आर इंड्यूस्ड आइदर थर्मली और फोटोकेमिकली। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमारी जो है वो कंसर्टेड इंटर कन्वर्जन ऑफ पॉलीन एंड साइक्लोल्किन, वो इंटर कन्वर्ज होती रहती है। जैसे कि अभी पॉलीन एंड साइक्लोल्किन, पॉलीन क्या पहले वो देखिए, जैसे कि मल्टीपल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पास हो, एक के लिए मोनोइन, दो के लिए डाइइन, तीन के लिए ट्राइइन, जैसे कि हो जाएगा ये हमारा इन डाइइन ट्राइइन। जैसे कि दो से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलीन। और साइक्लोल्किन क्या, कोई हमारी साइकिल हो और उसमें कोई डबल बॉन्ड हो तो इसे हम कहते हैं साइक्लोल्किन। तो अब इस डिफिनीशन को हम समझते हैं कि एग्जांपल से, जैसे कि इसमें कह रहा है कि पहले एग्जांपल ले लें, अब इसमें कह रहा है कि ये थर्मली अलाउ होती है और फोटोकेमिकली। एक नोटेड पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ऑल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सभी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल का निशान लगाया। अब यहाँ पर हीट के यानी थर्मली में कराओ या फिर और फूड केमिकली, यस न्यू, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि कंसर्टेड इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेटेड पॉलीइन। तो यहाँ ये हमारा पॉलीइन है या तो फिर साइक्लोल्किन का। तो इंटर कन्वर्जन कंसर्टेड मतलब मिलकर, और इंटर कन्वर्ज हो कॉन्जुगेट जो हमारा सिस्टम पॉलीइन का है, ये जो हमारा है पॉलीइन, ये मिलकर कन्वर्ट कैसे होगा, कैसे ये इंटर कन्वर्ट होगा। देखिए ये पॉली, ये वाला बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो इधर एक बॉन्ड बनेगा, कुछ इस तरह से। ये ऐसे है। अभी जब ये वाला बॉन्ड देखिए, ये वाला बॉन्ड ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला घूम के नीचे ऐसे एक बॉन्ड हो जाएगा हमारा, ये वाला बॉन्ड घूम के हमारा ये हो गया। अब ये वाला जो बॉन्ड था वो घूम के इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, तो एक बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यही हो गया हमारा कंसर्टेड यानी मिलकर इंटर कन्वर्जन, ये इंटर कन्वर्ट हो गया कॉन्जुगेटेड पॉलीइन, यही थी हमारी कॉन्जुगेटेड पॉलीइन, मतलब डबल सिंगल डबल इसी तरह से हो गई हमारी कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब हमारा क्या कर रहा है साइक्लोल्किन, तो अभी हम इसको लेकर इंटर कन्वर्ट करा लें। जैसे कि अभी हम ये हो गया हमारा साइक्लोल्किन, अभी हमें इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कराना है कि कन्वर्टेड इंटर कन्वर्जन कॉन्जुगेटेड साइक्लोल्किन, इसको भी वही कंडीशन में करें। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से होगी, जैसे इसमें होगा
ये वाला बाण इधर की तरफ मूव करेगा और ये वाला बाण इधर की तरफ, तो क्या होगा? फिर से यही सिस्टम बन जाएगा हमारा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा फिर से वही बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अगर बाण ये है, ये घूम के इधर जाएगा तो इधर ये डबल बाण हो जाएगा, और ये वाला बाण इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर इधर डबल बाण। हाँ, अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में अगर पाई बॉन्ड का, देखो इसमें पाई बॉन्ड का लॉस हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का और फॉर्मेशन हो रहा है पाई बॉन्ड का, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑफ सिग्मा बॉन्ड गेन ऑफ पाई बॉन्ड। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा 4N सिस्टम के लिए। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं 4N प्लस 2 के लिए। हाँ, अब ये देखिए हमारी क्या थी, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। यहाँ एक रिंग ओपन थी, यहाँ पर रिंग क्लोज हो रही है, तो ये हो गई हमारी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन। और ये देखिए पूरी रिंग क्लोज है, अब यहाँ से ये ओपन हो गई है, तो ये हो गई रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो अभी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये दो टाइप का होगा, कौन कौन होगा ये आगे देखेंगे। पहले हम 4N प्लस 2 का एक एग्जांपल देख लें, ये हो गया 4N का। अब देख लें 4N प्लस 2 का एग्जांपल, उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई साइक्लो अल्किन दियो, कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो, और इस रिएक्शन को हमें करानी हो हीट कंडीशन में या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो क्या होगा इसमें हमारा, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ और फिर ये इधर की तरफ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ऐसे यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पर गया और यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ, यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ये हो गई हमारी रिंग क्लोजिंग से रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो अभी हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं ना, इसको यहीं पर देखें तो चली नहीं सकती यहाँ पर, अगर हम इसको फिर से लें एक बार, चलिए यहाँ पर ले लीजिए, अगर ये हमारा, इसको सिर्फ देखिए, इसके इधर मत देखिए, अब इसको देखिए, अगर हमें इसको अब रिएक्शन करानी हो हीट या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ और ये वाला बॉन्ड इस तरफ, यहाँ रिंग ओपनिंग थी तो रिंग क्लोज हो जाएगी, पहला वाला हमें जो प्रोडक्ट था हमें वो मिल जाएगा ऐसे। ये हो गया हमारा 4N का एग्जाम्पल, ये हो गया 4N प्लस 2 का एग्जाम्पल। 4N में क्या है, यहाँ पर हमारा 4 पाई है, 2 2 4, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 पाई में क्या होगा, इसे फार्मूले से लिखते हैं के पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पर क्या होगा K-2π। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, रिंग क्लोजिंग रिंग ओपनिंग में आगे देखते हैं डिटेल्स में इसके, तो इसके पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन इसका। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, तो यही हमारी रीडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो देर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दो तरह की होती है हमारी, रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन का अभी एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, तो एग्जाम्पल में अगर हमारा यही था ये, और अगर इसमें हमें ये था तो सीधे करके उसको रिंग क्लोज करके यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करके करा दिया, लेकिन अगर इसमें हमें दिया हो यहाँ पर CH3 यहाँ H2 और यहाँ पर CH3 यहाँ पर, और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछे, इस CH3 की स्टीरियो केमिस्ट्री पूछे, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को दिखने के लिए, तो रिंग क्लोजिंग रिंग ओपनिंग से पहले हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझते हैं।
तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम पहले एडिंग डालेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी कितनी हो जाएगी, देयर आर टू पॉसिबल स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। कौन कौन, कॉन रोटेटरी, डिसरोटेटरी। जैसे कि अभी पहले बात हुई थी कि कॉन रोटेटरी क्या होता है, डिसरोटेटरी क्या होता है, तो वही हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगी। रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग में दो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, कॉन रोटेटरी और डिसरोटेटरी। तो कॉन रोटेटरी क्या होता है, इन कॉन रोटेटरी मोड बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एंड ग्रुप्स टर्न्स इन सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। कॉन रोटेटरी का होगा जिसमें कि इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि एंड, इसका एंड पॉइंट यही है, इस ग्रुप का एंड पॉइंट यही है, इस एंड पॉइंट का ये वाला जो है पोर्शन, ये CH3 और ये वाला CH3, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द एंड ग्रुप टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन। तो इस ग्रुप का हम एंड पॉइंट देखेंगे और इसका जो एंड पॉइंट होगा उस पर ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप, इसको हम रोटेट करेंगे। कौन रोटेटरी में कैसे रोटेट करेंगे उसको, या तो एंटी क्लॉकवाइज करें, या तो क्लॉकवाइज करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, दोनों में सेम तरह से करेंगे। जैसे कि आप इसको देखिए, अगर क्लॉकवाइज करना होगा तो हम क्लॉकवाइज, मैं अपना क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या होगा मुझे नहीं पता, हम अपने हिसाब से क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, या फिर दोनों को इस तरह से रोटेट कर देंगे। अब इसमें कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दोनों क्लॉकवाइज इस तरह से ऊपर नीचे, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से हो जाएंगे। तो ये हो गया कॉनरोटेटरी। और डिसरोटेटरी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इन डिसरोटेटरी मोड बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एंड ग्रुप टर्न्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या कह रहा है कि ये हमारे पास अगर कोई पूरा एक ग्रुप है, इसका एंड पॉइंट पे ये जो ग्रुप लगा है इसको हम रोटेट करेंगे डिसरोटेटरी, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि ये है हमारा, ये हमारे पास ग्रुप का ये दोनों एंड पॉइंट है, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करेंगे, या तो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लें, या तो फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से कर दें। ये दो रोटेशन पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। अब इसका एग्जांपल, मतलब जैसे कि हम जब रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी के पोर्शन करा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे, अब रोटेशन कौन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर उसमें थर्मल कंडीशन में कौन सा रोटेशन होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सा होगा, उसके लिए हम देखेंगे ये टेबल। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास 4n हो या फिर 4n+2, दो तरह के हो सकता है, थोड़ी देर पहले एग्जांपल में दोनों मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया था, थोड़ा सा हिंट दिया था। तो अगर हमारे पास 4n होंगे और उसमें सबसे पहले टेबल के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखा है कंडीशन मोड ऑफ रोटेशन, या इसमें कौन सा मोड होगा रोटेशन का, थर्मल कंडीशन में या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में, और यहाँ पर मोशन कौन सा होगा, कॉन रोटेटरी या फिर डिसरोटेटरी, या फिर डिसरोटेटरी या फिर कॉन रोटेटरी। तो अगर हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए 4n इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको थर्मल कंडीशन में कराएंगे, ये देखिए यहाँ पर अगर थर्मल कंडीशन है, तो इसका मोशन जो होगा वो कॉन रोटेटरी होगा। कॉन रोटेटरी का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारे पास 4n है और यही फोटोकेमिकल कंडीशन में हो जाए, ये वाला एग्जांपल, ये 4n है ना, अगर ये फोटोकेमिकल कंडीशन में हो जाए तो हमारा हो जाएगा डिसरोटेटरी, एक क्लॉकवाइज जाएगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और अगर हमारे पास 4n+2 हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, 4n+2 थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी हो जाएगा, और 4n+2 फोटोकेमिकल कॉन रोटेटरी हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देते हैं, थर्मल के लिए लिखते हैं यहाँ पर टी, फोटोकेमिकल के लिए लिखते हैं पी, और यहाँ पर कॉन रोटेटरी के लिए लिखते हैं सी, डिसरोटेटरी के लिए डी, यहाँ पर डिसरोटेटरी के लिए डी, यहाँ पर कॉन रोटेटरी के लिए सी, यहाँ पर भी टी लिख लें और यहाँ पर भी टी लिख लें।
और 4n, 4n क्या होगा हमारे पास, एक दो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जब भी हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, तो इसको हम लिख देते हैं e। और अगर अब हम देख लें फोर एन प्लस टू को, तो फोर एन प्लस टू देखिए, फोर एन प्लस टू यानी कि अगर n की जगह पर अगर आप एक रख दें तो चार दो छः इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, यहाँ पर दो दो चार दो छः, फोर एन प्लस टू है ना, तो यहाँ इसमें क्या होगा ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बॉन्ड जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड देखेंगे एक दो तीन ऑड है ना, तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को देखेंगे, तो इस फोर एन प्लस टू वाले में मैं लिखता हूँ ऑड, तो ये हो जाएगा हमारा। बस अब हमें इसको साथ में लिख लेना है, टी ई सी हो जाएगा हमारा टेक, ये लिख दिया। और फिर क्या हो जाएगा पी, इसमें ये जो है ये दोनों के लिए है, और यहाँ पर टी होगा एक के लिए और यहाँ से होगा टी वाले के लिए, ये कॉन्डोटेटरी वाला ना। अब ई है और इसमें पी है, और पी के लिए हमारा ये डी, तो पी ई डी। और इसमें टी ओ डी, और इसमें क्या हो जाएगा पी ओ सी। बस अगर आप ये याद कर लेंगे, ये ध्यान में रखेंगे, तो हमारा कौन सा मोशन कराना है ये आसानी होगी कराने में। जैसे कि थर्मल, थर्मल कंडीशन में अगर पहले हमारा कंडीशन दी हो, थर्मल दी हो, तो हम देखेंगे उसमें पाई बॉन्ड कितना है, इवेन होगा तो टी ई, टी ई अगर दो पता चल गया थर्मल इवेन, तो तीसरा जो वो अपने आप हो जाएगा कॉन्ड्रोटेटरी, थर्मल इवेन कॉन्ड्रोटेटरी। अभी इस टी वाले देख लें, अगर कंडीशन हमें दी है थर्मल, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें दी है थर्मल कंडीशन में, तो इसमें देखेंगे ऑड, तो इसमें थर्मल हो गया ऑड हो गया तो एक फिक्स रहेगा, थर्मल हो गया ऑड हो गया तो ऑड वाले में जो होगा हमारा डिसरोटेटरी। अब इसमें देखें अगर फोटो केमिकल कंडीशन में, अगर हमारे पास यही यही चीज़ दी हो, हमें फोटो केमिकल कंडीशन में दी हो, तो इसमें देखेंगे कि हम इवन है कि ऑड है। अगर देखेंगे इवन है तो ये फोटो केमिकल के लिए पी, इवन के लिए ई, तो पी ई, ई के साथ हमेशा क्या आता है, थर्मल वाले में ई के साथ हमेशा सी आता है, तो फोटो केमिकल में ई के साथ हमेशा डी आएगा। फोटो केमिकल इवन होगा तो डिसरोटेटरी, अगर थर्मल इवन होगा तो कॉन्ड्रोटेटरी। ये तो हो गए, ये टोट भी हो गया ना, थर्मल होगा, अगर थर्मल होगा और ऑड कंडीशन में तो डिसरोटेटरी, और अगर फोटो केमिकल होगा और ऑड होगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पी ओ सी हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि टी ओ डी होता है। एक याद रखोगे आप टी ओ डी तो दूसरा हो जाएगा पी ओ सी, एक याद है टी ई सी तो दूसरा हो जाएगा पी ई डी। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री, कॉन्ड्रोटेटरी डिसरोटेटरी कैसे कैसे होना है, कैसे कैसे करना सब हो गया। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ उसको हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे आपको कॉन्ड्रोटेटरी डिसरोटेटरी में सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।